गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी मैं बताऊं, मैं आया हूं अंजनेरी घाट, इसे हम लोग बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान, यही जगह यही है अंजनेरी। और ये जो आप देख रहे हैं अंजनेरी हिल्स, अभी हमें पूरा ऊपर तक ट्रैक करना है एंड ऊपर एक रिवर्स वाटरफॉल भी है। ये जब मैं नाने घाट वाली जगह देख रहा था तो मुझे इस जगह का पता चला, फिर पता चला कि ये तो बहुत बड़ा प्लेस है, लॉर्ड बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। सो यहाँ भी आया जाए। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, सो आपको ट्रैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी का मैं बताऊँ, ये काफ़ी ऊँचा पहाड़ है और बहुत स्टीप भी है, बहुत सारी वाटरफॉल से आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं बताऊं आपको, मैं वडोदरा से सुबह 2 बजे निकला था और अभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं, अभी बज रहे हैं 3:30, इट मीन्स 13.5 घंटे लगे मुझे वडोदरा से यहाँ आने को, बट इट वॉज वर्थ इट। मैं बता, देखो सीढ़ियों से कैसे पानी आ रहा है। इसलिए सोचा पहले ट्रैकिंग करता हूँ। एक गलती जो मैंने की, आप लोग नहीं करना अगर आओगे तो, जींस ना पहनना, कोई भी ट्राउज़र हाफ पैंट बनियान चलेगा। मुझे लगता है मैं अभी 300-400 मीटर ही चढ़ा हुआ और मेरी हालत ख़राब होती लग रही है। अभी नीचे कुछ लोगों ने बताया कि अभी यहाँ इतनी बादल थी किन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। चलो ये देखो, वहाँ गुफाएं भी हैं, अगर आपको दिख सका हो तो। मैं जूम करता हूँ शायद, ये देखिए। एंड यहाँ पे साफ साफ बाहर में बोर्ड लिखा हुआ था, बीवेयर ऑफ लेपर्ड्स, मराठी में बिपटिया बोलते हैं, लोकल लोगों ने बताया। कभी कभी पर जो होगा देखा जाएगा, अपन लोग एडवेंचर से नहीं डरते। सो देखो गाइस, मैं अभी अकेले ट्रैकिंग कर रहा हूँ एंड ये जो लेक आप देख रहे हो, ये है अंजनेरी लेक एंड ये पूरा अंजनेरी हिल्स। अभी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, कुछ दूर तक हम लोग ट्रैक करने के बाद मैं जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, दैट इज माइंड ब्लोइंग, ऑसम। सारा मेहनत एक तरफ, खूबसूरती एक तरफ। ये देखिए, किसी बारिश भी हो गई है। देखो ये ऐसा ट्रैकिंग का रास्ता है। अच्छी बात यह है कि रेलिंग हर जगह बनी हुई है,
अदरवाइज अगर फ्लैग स्वीप करे तो फिर काफी बचने का कोई चांस नहीं। ये हमारे पास लाइन से नेहरू वाटरफॉल, लुक एट द ब्यूटी। द टॉप मोस्ट पोर्शन इज कवर्ड बाय क्लाउड्स एंड आई एम नॉट एबल टू सी, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग एट द टॉप एंड लेट्स सी हाउ इज द व्यू फ्रॉम द टॉप। मीनवाइल ऑन द वे टू द टॉप यू विल सी अ स्मॉल लॉट ऑफ I'm quite amazed by seeing this. Look at this, guys. This is the beauty of Maharashtra. So guys, as I told you, you will encounter a number of waterfalls. As for example, see this massive rock. I don't see any people, but I see the beauty of Maharashtra. Just have a look. I forgot to say, this is Lord Hanuman. Let's say once, Jai Hanuman. Have a look at this place. Just have a look at this place. OMG. So what I say is on that that is why, at least once in a lifetime, you should take some risk. Good. And just checking the camera on my tripod. Yes. Bye.
So guys, I forgot to tell you. Actually, this is the place to reach. We have to go to the top of Anyari Hills. Hey. To the ultra wide lens, and then that. This is how trekking at Anyari waterfall looks like. Trekking water. I was exhausted at that time, but after that I took a bath. There is people who are coming from the hill. Everywhere waterfall. Yeah. Yeah. In the top. So friends, I am completely exhausted. थकने का एक और कारण हवा जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. फाइनली हम कुछ दूर तो पहुंच चुके हैं. अभी देखना है आगे कितना दूर है. कुछ ऐसा है की स्टेप भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे. अभी और आगे जाना है. लोग जा रहे हैं उधर. हिम्मत नहीं.
साइड हल्दी के पेड़, फिर वो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये 1600-1500 मीटर, 1.5-2 किलोमीटर ऊंचाई पे है ऐसा। सो हे गाइस, दिस इज एट द टॉप ऑफ इंजीनियरी हिल्स, एक झंडा हनुमान जी का, इतनी ऊंची पहाड़ी में फहराया हुआ है। और अभी कुछ ही पल में आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा जहाँ श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ, ये 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, मुझे अप्रॉक्स अभी 3 घंटे हो गए ट्रैक करते हुए एंड हालत ख़राब हो चुकी है, पैर दर्द हो रहा है, पर फिर भी जय श्री राम बोल के गिरा हुआ है। यहाँ पे हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये है वो मंदिर, मैं भी कुछ देर में दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग अप्रॉक्स 1600 मीटर की हाइट पर, जय हनुमान ज्ञान, जय हनुमान जी की। ये हमारे हनुमान जी का जन्मस्थल, ये श्री राम जी महाराज, अंजनी सरोवर। मैं जब जा रहा था ट्रैकिंग पे तो ये पूरा बादलों से ढका हुआ था, पर मैं कितना डरा कि जब मैं ये देखा, अब गेस करो यहाँ पे मैंने बाइक पार्क किया है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा सरोवर भी है।